नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स ने ना सिर्फ हमारे समाज का स्वरूप बदला है बल्कि इंसान के व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से बदल दिया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारे आज के जीवन का एक बेसिक हिस्सा बन चुका है। लोग एक एक लाइक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2019 का ये केस जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो भी एक ऐसी ही सोशल मीडिया स्टार का है जिसकी अचानक हुई मौत से उसके परिवार, उसके फैंस को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। लीजिए चाय। हमारी बेटी का है मुस्कान, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। ए, चलती है क्या? ए, चलती है क्या? ए, क्या है मुस्कान, सब क्या कर रही है बेटा? आई, आज फ्राइडे है, वीडियो शूट करना है। कोई जरूरत नहीं, बाहर तेरे पापा बैठे हुए और वो इन कपड़ों में देखेंगे ना तेरे पापा तो और भी भड़क जाएंगे। आई, मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना कर रही हूँ, काम है ये मेरा। और तुझे पता है कितने सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि मैं कब नया वीडियो डालूंगी, पता है तुझे? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, पीछे वाले दरवाजे से जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आइए मुझे रेडी होने दे। जाती हूँ। और तू दरवाजा बंद करके चेंज नहीं कर सकती। चल साइड, मुझे बाल बनाना है। अरे तुझे कितना टाइम लगेगा? गुड्डू दादा मैसेज कर रहे कब से। तू जा, तू पहले कमरे से बाहर जा। जा रहा हूं, जा रहा हूं। मुझे 10 मिनट और लगेंगे। जा रहा हूं। देखना जैसा वीडियो बनाऊंगी ना सारे के सारे फैंस पागल हो जाएंगे। ए मुस्कान कैसी है? मी मस्त, तू कैसी है? एकदम मस्त। अरे रेडी तुम लोग? हां हां। अच्छा सुन, एक अच्छा सा स्पॉट चुन ले और उसकी सफाई और डेकोरेशन कर देना। अच्छा ऐसा वीडियो बनाऊंगी ना कि सारे फैंस पागल हो जाएंगे। अच्छा मैं अभी शांति काकी को मिलके आती हूँ, तू मुझे वहाँ स्पॉट पर मिलना। तेरा सही है, तुझे रोज सुबह ना शांति काकी घर पे खाने को मिल जाता है। लकी है काकी के लिए। काकी कहती है ये जो आकर पहलाने वाला खाती है ना तो सारे दिन उनके शर्ट पर लोगों की भीड़ लग जाती है। चल उनका घर आ गया, मैं तुझे वहाँ स्पॉट पर मिलती हूँ। चल ठीक है, बाय बाय। बाय। आ गई तू? 20 साल पहले आ गई थी दादा। तू इसे दादा क्या बोलती है? मैं तो तुझे बहू बनाना चाहती हूँ। मैं इसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इसको दादा बोलती हूँ। ओए, मुझे भी तेरे साथ शादी नहीं करनी, समझी ना? हमेशा ये नौटंकी बन के घूमती रहती है। ऊपर से तेरे साथ कोई शादी करेगा ना तो सारे चावल वाले हंसेंगे उस पर। अभी फोकट का खाना खाने आई है ना, खाके चली जा। चल कुछ भी क्या बोलता है, ये खाकर जाती है ना इसलिए अपना धंधा चलता है। ले बेटा तू खा। अच्छा बना है ना? Yes! I like this. मैं राजा, तू रानी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे यार देखना, पूरी सफाई सजावट हमने करी और ये भाई साहब जबरदस्ती उसके अंदर। तो तूने इनको रोका क्यों नहीं? अबे यार तू जानती है ना उसको, तो सुनता है किसी की। ए, बंद कर इसे, यहाँ वीडियो हम बनाने वाले थे, तू कहाँ से घुस गया बीच में? रानी वीडियो पोस्ट कर, ये मेरे काम में दखल दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये हुल किसी और को दिखा तू, समझा? तुझे वीडियो बनाना है बना, लेकिन हमारी जगह पे नहीं। ये एरिया का तेरे बाप का एरिया क्या? हाँ मेरे बाप का। ये ऐसी नहीं मानेगी, छोड़। अरे छोड़, जाना तमाशा नहीं करने की, चल। छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल निकल यहां से। तू जा यार, चल निकल। अरे चल अजीब पागल, तू जा यहां से, मुझे नहीं बनाने का वीडियो यहां पे। अब ए, चलती है क्या? चलो चलते हैं। फट हो गया। अभी
मेरा पोपट हुआ। देखो नहीं पहचान इसको। अबे यार तू इतना भी नहीं पहचान सकता है। गुड्डू जल्दी अपलोड कर इसे। हाँ गुड्डू दादा, आज फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे जितने लाइक्स बटोर ने बटोर लीजिए। ए ये लड़की देख, उसका नाम है उसका अपने बोलने में रहती है। अभी अभी नया वीडियो अपलोड किया है इसने। हलकट, मेरे मुस्कान के बारे में कुछ बोला ना सही नहीं होगा। चल निकल 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 दे इधर चल। चल मुस्कान के बारे में बोल रहा है। बहुत सारे लाइक्स आए। मस्त है ना। अब की बार छुआ भी है ना मेरी आई को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? इतना गुस्सा क्यों करते हो बाबा? इस काम में बहुत पैसे मिलते हैं। कुछ पैसे वैसा नहीं मिलता तुम लोग को, सब पैसा गुड्डू लेके जा रहा है। तो वो देगा ना हमें पैसे? देखो पैसा देगा वो, जब मांग के लाओ उससे पैसे। हाँ जा रही हूँ ना। आई ठीक तो है ना? I'm sorry आई, मेरी वजह से वो तुझ पे हाथ उठाता है। तेरे बाबा गलत तो नहीं कह रहे ना? ये लड़कों वाली हुलिया कब तक रखेगी? कौन शादी करेगा तुझसे? आई तू मेरी शादी की टेंशन क्यों लेती है? अभी मैं जा रही हूँ ना गुड्डू के पास, सारे पैसे लाकर तेरे पति को दे दूंगी, फिर तो वो खुश हो जाएगा ना। पर गुड्डू पैसे नहीं देता भाई। तो बाप भी देगा पैसे। क्या हुआ? सुनील का मैसेज आया है। बाप ने अच्छे से धोया ना तुझे, बहुत मजा आ रहा था। छोड़ूंगी नहीं मैं सर। वापस मैं डोलू को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ वो तो वो मुस्कान अच्छी, उसने मेरे को तेरा वीडियो भेजा। तेरी ये मुस्कान को ना छोड़े जाने मेरे। तेरी को नहीं छोड़ेगी मैं। मुस्कान पता नहीं कहाँ चली गई है, सुबह से उसे देखा नहीं। सुबह से नहीं देखा? अरे अरे रुक जाओ। सब सब ये उधर जाना। सब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसको किसी ने किडनैप किया है सर। बैठ जा, अब बैठ, बैठिए बैठिए। क्या हुआ? सब मेरे बच्चे को किडनैप किया है किसी ने। क्या कर दी थी वो? टिकटॉक वीडियो की स्टार है सर। टिकटॉक वीडियो? सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आजकल यंगस्टर में काफी पॉपुलर है। अच्छा? बहुत से लोग बिजी रहते हैं इसमें। उसकी कोई वीडियो? हर्षित तुम लोग जो वीडियो बनाते थे वो साहब को दिखाना। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। तू तो अभी बोल रहा था फोन की बैटरी डाउन है। लेकिन बहुत कम है, अभी खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट आई तू दिखाना अपने फोन से। ये मेरी बच्चे मुस्कान। अच्छा कब से गायब है? कल सुबह से दिखी नहीं सर। दिखी नहीं मतलब? मतलब हमें लगा वो अपने कमरे में रहेगी, लेकिन जब जाके देखा तो नहीं थी साहब वहाँ पे। फिर बाद में लगभग 2 बजे के आसपास एक फोन आया सर, वो हर्षित गया उसे ढूंढने, वो भी नहीं आया अभी तक। मुस्कान कुछ है तू? मुस्कान जहाँ भी है ठीक नहीं है। अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए तो 1,00,000 रुपए लाकर दे और अपनी बेटी ले जा। मेरे घर पे 1,00,000 रुपए पड़े थे सर। 1,00,000 रुपए पड़े थे जी?
लेकिन उसने जो जगह बताई थी वो जगह पे मैंने वो 1,00,000 रुपए रख भी दिए सर। कौन सी जगह? वो एकता नगर के पीछे एक रास्ता है सर, सुनसान गली। लेकिन रात भर मेरे बच्चे घर पे आए नहीं सर। तुम्हारे घर पे एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए पड़े थे? जी सर। कमाल है ना शेरगढ़, इनके घर में 1,00,000 रुपए एग्जैक्ट पड़े थे और किडनैपर ने भी एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए मांगे, ऐसा कैसे? हो सकता है कि लड़की ने किसी को बताया होगा। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं साहब, मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड होगा और उनकी ये प्लानिंग है किडनैपिंग की, वो 1,00,000 रुपए लेके भाग गए तुम्हारे। सर ताई उन पैसों के लिए क्यों प्लान बनाएगी, वो तो खुद ही वो पैसे लेके आए थे गुड्डू दादा से। देख गुड्डू, घर पे बहुत टेंशन मची हुई है, मुझे पता है कि इसमें कितने पैसे मिलते हैं और तू कितने पैसे बनाता है। बाप पीछे पड़ा है हमारे, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए किसी भी हालत में। गुड्डू दादा कौन? गुड्डू दादा हमारे साथ वीडियो बनाते हैं, ताई ने उनसे ही पैसे मांगे थे, उन्होंने हमारे हिस्से के 1,00,000 रुपए उनको दे दिए। तो फिर ऐसा हो सकता है प्रेशर में आके गुड्डू ने मुस्कान को 1,00,000 रुपए दिए और बाद में वही 1,00,000 रुपए लेने के लिए मुस्कान को किडनैप किया। ये गुड्डू रहता कहाँ है? तूने मुस्कान को 1,00,000 रुपए दिए थे? हाँ सर, तीन दिन पहले। उसको किडनैप करके बाद में उसके बाप से 1,00,000 रुपए वसूल कर लिए ना? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? तेरे घर की तलाशी लेनी है। एक सेकंड सर, भाई बाबा घर पे नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो सर्च वारंट लेके आए? हाँ फिर के देखो, अभी पता चल जाएगा 1,00,000 रुपए कहाँ रखे तूने। सर घर में ना तो मुस्कान है और ना ही पैसे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुस्कान कहाँ है। फिर कहाँ गई मेरी बच्ची? हाँ मेरी बच्ची कहाँ गई? मुस्कान 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 मुस्कान। गुड्डू और मुस्कान के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई सर। 18 अप्रैल को मुस्कान का फोन 9:30 बजे बंद हुआ और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे ऑन हुआ। मोहल्ले से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मुस्कान के फोन से मुस्कान के फादर को रैंसम के लिए कॉल आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर एक गुड्डू और मुस्कान के बीच 3 दिनों से बातें नहीं हुई। इनफैक्ट 18 अप्रैल को गुड्डू का फोन घर पर ही था, तकरीबन शाम को 5 बजे वो घर से निकला और मलाड़ की तरफ गया। लेकिन शिरके मोबाइल लोकेशन मैनिपुलेट करना बड़ी बात नहीं है, और कुछ? सर ये मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज मिला है, ये देखिए सर। सुबह सुबह कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं लेकिन ये पूरे फुटेज में मुस्कान कहीं नहीं दिख रही है और ये शाम के 5 बजे का फुटेज है। ये देखिए गुड्डू मोहल्ले से बाहर जाते हुए दिख रहा है। कमाल है शिरके, मुस्कान को उसके घर वालों ने सवेरे से देखा नहीं। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और उसके साथ में रात में चली गई। मोहल्ले के पिछले साइड में सीसीटीवी नहीं है ना, हो सकता है पिछले रास्ते से चली गई हो या तो मोहल्ले में हो। सर मुझे नहीं लगता कि मुस्कान का कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये लड़की ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गई? एक मिनट सर। हेलो पीछे होइए, आप पीछे होइए, चलिए पीछे पीछे सबको पीछे करो, पीछे करो। बॉडी बाहर निकल, बाहर निकल। सुनके इसका गला दबा के मारा गया है, तो वो गले पे एक निशान है और सर पे भी चोट की निशान है। गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ था सर, मतलब लड़की गायब हो गई, 1,00,000 के फिरौती की मांग हो गई
और उसके बाद में उसको मार कर इस कार में डंप किया गया। ये कार किसकी पता है? ये उस माइकल की गाड़ी है। एक नंबर का हलकट है वो, जब भी देखो मेरी मुस्कान के पीछे पड़ा रहता है। वो माइकल ताई को हमेशा परेशान करता था। कैसी है रितु, या फिर पूछूं कैसा है रितु? वो लड़का बनने के बाद भी ना ये छिपरे आप चला। अरे सुना, छोड़ मेरे के साथ एक वीडियो बनाना। हाँ छोड़ माइकल, देखो वीडियो बनाने का है ना, जाके अपनी माँ के साथ बना ले, चल हट। चल गया, माइकल को बुला। आ रहता है माइकल। माइकल यहाँ नहीं है साहब, परसों रात को दुबई चला गया। दुबई मतलब लड़की गायब हो गई और ये माइकल दुबई चला गया। उसको दुबई से बुला। सर आइडेंटिटी मिला नहीं, मोबाइल वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सिरके ये बोरी किसके दुकान की है पता करो। ये बोरी राजा रानी की है, ये लोग कांदा पटेटा बेचते और ये दाई को हमेशा परेशान करते हैं। अरे नहीं साहब, कुछ भी बोल रहे हैं, हम कांदा पटेटा बेचते, अभी घर के सामने बोरियां पड़ी रहती है, अभी कोई भी उठा सकता ना, हमने कुछ नहीं किया साहब। वो हम पता लगा लेंगे, है ना? क्यों चला? नहीं नहीं साहब सुनो ना, कुछ नहीं किया। अरे सुनो ना, मुस्कान की लाश मिलते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वो लड़की जो अपने मोहल्ले के साथ साथ अपने टिकटॉक वीडियोस के फैंस की जान थी, उसकी जान किसने ली ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। और हर्षित, उसने अपने सीने में कुछ ऐसे राज छुपा कर रखे थे जिसे वो किसी को नहीं बता रहा था। और मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो उस टिकटॉक वीडियो को बनाने का नतीजा था, क्या कुछ ऐसा था जिसके ऊपर से परतें अभी उठनी बाकी थी? साहब हमें क्यों लाया, हमने तो कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ किया नहीं तो मुस्कान की बॉडी तेरे कांदे बटाटे के बोरे में कैसे आई? सर मैंने चेक किया है, वो बोरियां वैसे भी वहां पड़ी रहती हैं। हाँ वहां पड़ी रहती है, लेकिन बोरी में बॉडी कैसे आई? मुस्कान के साथ झगड़ा था तेरा? नहीं साहब झगड़ा नहीं हुआ था, हम की वीडियो बनाते ना तो उसमें कॉम्पिटिशन था। कॉम्पिटिशन वीडियो बनाने में? साहब उसमें बहुत पैसा मिलता है ना, तो भी हम महीने का 7-8 हज़ार रुपये कमाते थे। क्यों गुड्डू है ना गुड्डू, वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, साहब मुस्कान को ना रमाकांत काका नहीं मारा होगा। मुस्कान का मर्डर तेरे सर पे आ रहा है, इसलिए वो रमाकांत के सर पे ढकेल रहा है? साहब उसका थोड़ी वो सगा बाप है। मतलब वो रमाकांत काका है ना और सरोज काकी, उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी, और हर्षित है ना हर्षित, वो रमाकांत काका के पहले बीबी का बच्चा है। तो तेरा ऐसा कहना है कि रमाकांत उसका सौतेला बाप है, इसलिए उसने उसको मार दिया? साहब उसको पसंद नहीं आता था ना ये मुस्कान, वो टुक टुक की वीडियो बनाती थी, उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट आते थे, उसको गुस्सा आता था। तूने अगर वो लड़की को मारा है ना तो तेरे को इतना मारूंगा, तेरी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा मैं कि जिंदगी भर वो टुक 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 के वीडियो नहीं बना पाएगा। डरेगा तू खुद को देखते हो, समझा? चल गया। साहब मैंने कुछ निकाल शर्म से बाहर जाने का नहीं, चल चले। साहब सुनो ना, इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ और मुस्कान का फ्रेंड गुड्डू वो कहाँ है? सर वो गुड्डू वाशी में है, अपनी बहन के यहाँ गया था, मैंने वाशी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसे फोन भी कर दिया, आते ही होगा सर। हेलो हर्षित, ये सब क्या हो गया यार? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुस्कान पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा है मेरे ताई को, तू नहीं सब कुछ किया है। हेलो हर्षित, मुस्कान जो कि एक उभरती हिट स्टार थी, उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर हो गया। मुस्कान जो कि अपनी चुलबुली अदाओं से सबको हंसाती रहती थी। मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं और मैं तेरे लिए बहुत सारे तारे तोड़ लाऊं। अच्छा तू ये सब दिन में तोड़ेगा? मैं तेरा सर तोड़ दूं। वाशी पुलिस गुड्डू के घर गई थी लेकिन गुड्डू घर से गायब है। इसका मतलब उस लड़के ने जरूर कुछ किया है, इसलिए अपने बहन के पास वाशी भागा है। के मुस्कान की टिकटॉक की न्यूज चल रही थी अभी टीवी पे। हाँ सर मुस्कान काफी पॉपुलर थी। मुझे कैसे नहीं पता? सर आजकल ये दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक इंटरनेट की दुनिया है जिसमें सारे यंगस्टर खो रहे थे और एक हम लोगों की। एनीवे सर ये मुस्कान की पीएम रिपोर्ट, रिपोर्ट के हिसाब से उसके गले पर 3 रश्मि के निशान और सर उसके बाद उसे फांसी लगाकर मार दिया गया। इसका मतलब किलर ने उसके गले में पहले फंदा डाला वो बच गई, उसने फिर से उसके गले में फंदा डाला वो मर गई, और बाद में उसको लटकाया। राइट सर,
उसके सर पे चोट के निशान भी हैं और सर उसका मर्डर करने के बाद उसके साथ रेप भी किया गया है। मारने के बाद? जी, मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ है। सीमन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, प्रोटेक्शन यूज किया गया था। मर्डर का टाइम क्या है? सुबह 9:30 से 11:30 बजे का है। और फिरौती के लिए कॉल आया था 2 बजे और रमाकांत ने फिरौती के पैसे दिए 5:00 बजे। लेकिन सर लड़की तो सुबह ही मर गई थी और उसके बॉडी को रात में कार में शिफ्ट किया गया क्योंकि दिन के टाइम में मोहल्ले में बहुत चहल पहल रही थी। राजा के अकॉर्डिंग उसके टिकटॉक वीडियो पे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते थे और उसके वजह से उसका पापा रमाकांत गुस्सा। चलिए काम करो, किसके किसके गंदे कमेंट थे जरा ढूंढो। ठीक है सर। और वो दुबई वाला माइकल उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, कल सुबह तक आ जाए। क्या हो गया सर, मेरे को वहां से वापस क्यों बुलाया? अरे फोन पे तो बोला था मैंने कुछ नहीं किया है। वो मुस्कान का मर्डर हुआ उस रात तू दुबई को क्यों भाग गया रे? भागा थोड़ी था, मैं तो क्रेन ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो तेरे को अचानक से बुला लिया? हाँ, वो उधर का क्रेन ऑपरेटर था ना, वो बीमार पड़ गया तो मेरा छुट्टी कैंसिल करके मेरे को बुला लिया उधर, आप लोग ने वापस बुला लिया। चलो देखो कमेंट्स। पढ़ना क्या गंदे गंदे कमेंट्स करता था उसके टिकटॉक पे। मैं अकेला थोड़ी करता था, सब लोग करते थे। ये सबके गाड़ी में उसकी लाश नहीं मिली, तेरी गाड़ी में मिली। और मोहल्ले वालों का भी कहना है तो उसको परेशान करता था ना, उसको ऑफर भी दिया था ना तूने तेरे साथ वीडियो बनाने का। वो तो मजाक कर रहा था मैं साहब। मजाक कर रहा था? हाँ, हम लोग मजाक नहीं करते, सब कुछ सीरियसली करते। पहले ऐसा तोड़ा ना, खर बोलना पाइजे। अरे ये शर्ट का कलर का थोपड़ा बना दो उसका। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। सर एक लड़का है अभिषेक, मुस्कान के वीडियो पे काफी गंदे गंदे कमेंट करता था। मैंने पता किया सर, मुस्कान के लिए काफी ऑब्सेस भी था, रिकॉर्ड्स में सब क्लीन लग रहा है, दिल्ली का रहने वाला है। शिरके हो ना हो ये कांड मोहल्ले में हुआ, या तो मुस्कान के घर पे। हर्षी तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बेटा, खाना खा लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसको रस्सी से गला दबा कर मारा गया और मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ था। रेप? मेरी बच्ची तो हमेशा हंसती रहती थी, दूसरों की मदद किया करती थी, कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा भला? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरोज जी क्या बता सकते उस दिन सुबह उसके साथ क्या हुआ था? हमें कैसे पता होगा सर, सुबह से हमने उसको देखा भी नहीं था। इसलिए तो देखा होगा। नहीं सर, उस रोज हम लेट से सो के उठे थे और हमें लगा कि वो अपने कमरे में ही होगी। उस काम रोज सुबह शांति के यहाँ खाना खाने जाती। खाना खाने के लिए? हाँ सर, शांति का मानना था कि मुस्कान उसके भी शो है, वो यही पास में स्टॉल लगाती है। शिरके मोहल्ले में पता लगा 18 तारीख को मुस्कान को किसी ने देखा था क्या? ठीक है सर। उस दिन मैंने उसका बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आए, फिर मुझे यहाँ आना था और यहाँ से जब मैं शाम को घर गई तो मुझे घर जाके पता चला वो सुबह से घर से गायब है। जब वो मेरे यहाँ से सुबह खाकर जाती थी ना, मेरा धंधा बहुत चलता था, बहुत शगुनी थी वो मेरे लिए। अभी मैं क्या बोलेगा साहब, वैसे उस दिन तो मैंने उसको नहीं देखा था, लेकिन साहब वो सही लड़की नहीं थी। अभी कोई लड़की लड़का बन के लड़कों के साथ घूमेगी तो कुछ तो भी गलत होएगा ना साहब। नहीं साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। 18 तारीख की सुबह देखा था उसे? नहीं साहब, मैंने तो उसको नहीं देखा। सर मोहल्ले में तो किसी ने भी मुस्कान को सुबह आते जाते नहीं देखा और शांति का भी यही कहना है कि वो सुबह घर पे नहीं आई। सर उस दिन जब हमने CCTV फुटेज चेक किया था तो शांति और उसका बेटा पवन ये दोनों मोहल्ले से जाते हुए दिख रहे थे। सही कह रहे थे सर। इसका मतलब उस दिन मोहल्ले में उसको किसी ने भी नहीं देखा, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो घर के अंदर ही हुआ है। ये क्या कह रहे सर आप? आपने कुछ किया होगा, आप तो उससे नफरत करते थे ना, आपकी सगी बेटी नहीं थी वो, आपने ही मारा होगा ताई को। मैं नफरत नहीं करता था उससे, बस उसका काम मुझे पसंद नहीं था। आखिर किस माँ बाप को ऐसा काम पसंद आएगा सर,
आप लोग गुड्डू को क्यों नहीं पकड़ते? 17 तारीख को उसने भी एक वीडियो डाला था। वो वीडियो कल मैंने देखा था। वो बहुत गुस्से में था। आई तेरे मोबाइल दिखा ना। दोस्तों आज से मैं अकेला ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर कुत्ता पाल लूंगा, क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो अभी फिलहाल भाग गया है, लेकिन जल्द हमारे हाथ लग जाएगा। क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कमाल है ना, जिस मुस्कान के साथ तुमने इतने वीडियो बनाए उस मुस्कान के बारे में ऐसी बातें? सर, तब मैं गुस्से में था सर, इसलिए। तो वाशी क्यों भाग गया था तेरे बहन के पास? सर, क्योंकि वो हर्षित बार बार बोल रहा था कि मैंने मुस्कान को मारा है, तो मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तू डरा था मालूम है तू? क्योंकि तूने सच में मुस्कान को मारा था। एक बात बता, तूने उसको 1,00,000 रुपये दिए, फिर अलग क्यों हुआ उससे? सर, अलग होने का डिसीजन मेरा नहीं था सर, वो मुस्कान खुद अलग होना चाहती थी। ये ले, पूरा 1,00,000 रुपये है, तूने मांगा मैंने दे दिया, अब तो वीडियो में काम करेगी ना? हाँ करूँगी, लेकिन आज के बाद से तुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों में 50-50 बटेगा। ये क्या बोल रही है तू? कंटेंट मेरा होता है, आइडियाज मेरे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेरे हैं, एडिटिंग मैं करता हूँ। हाँ तो तेरे वीडियोस मेरे और मेरे भाई की वजह से पॉपुलर होते हैं, अब तू सोच ले, या तो 50-50 या कुछ भी नहीं। इसी वजह से सर फिर हम अलग हो गए। मुस्कान अपनी अलग वीडियो बनाने वाली थी और मैं अपनी अलग वीडियो बनाने लगा। तूने उसको 1,00,000 रुपये दिए थे, किडनैपर ने भी बराबर 1,00,000 रुपये मांगे हैं, तो बात क्लियर है। तूने उसको किडनैप किया, उसको मारा और उसके बाप से 1,00,000 रुपये वसूल कर लिए। तू गुस्से में था ना बहुत, क्योंकि जब से तू मुस्कान से अलग हुआ तेरा एक भी वीडियो हिट नहीं हुआ था। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तू उसको मारा क्यों? उसको पसंद करता था? नहीं सर, हम सिर्फ काम के लिए साथ थे, और अलग होने के बाद तो मैं कभी दोबारा उससे मिला भी नहीं था। तू ऐसा नहीं बताएगा रेखा में? सर घर बोले पर तो जरूर गाड़ा। सर सर तू सचमुच शादी कर रही है? मुस्कान बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तेरे लिए कर रही हूँ। देख अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो तुझे बाबा की जरूरत पड़ेगी। मुझे बस मेरी आई चाहिए। तू शादी कर लेगी तो फिर मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगी, मैं धीरे धीरे तेरे से बहुत दूर हो जाऊँ। तू सच में दूर चली गई मुस्कान, मैंने तुझे दूर कर दिया। सर ना तो ये माइकल कुछ बोल रहा है और ना ही ये गुड्डू। जब तक इनकी खातिर दे रहे ना उतने ठीक से मुंह नहीं खोलेंगे। सर अरे हर्षित, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बीमार लग रहे हो। सर आपको कुछ बताना है। बैठो। हाँ बताओ बेटा। सर वो राजा रानी है ना, वो अक्सर हमारे वीडियो खराब करने की कोशिश करते थे। ताई के साथ लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। ताई की किडनैप के 3 दिन पहले तो क्या हुआ ताई? आज इतनी खुश लग रही है तू? मत पूछ क्या हुआ। आज उस राजा रानी की मैंने ऐसी बैंड बजाई ना कि वो बीच में कभी नहीं आएगा। बता ना ताई क्या किया तूने? मैंने उनका एक वीडियो बना लिया है। दिखा। मैं नहीं दिखा सकती तेरे को। बस ये समझ ले कि आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में ना वो कभी टांग नहीं अड़ाएगा। सर ताई ने कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, आपने ताई के सारे वीडियोस देख लिए? सर अभी तक इसकी ताई का फोन हमें मिला नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज में जो वीडियो है हमने वो चेक किए हैं, लेकिन सर बहुत ज्यादा वीडियो। सर उसमें राजा रानी की जरूर कोई वीडियो होगी, ताई सारे वीडियोस ऑनलाइन सेव करती थी। ऐसा कौन सा वीडियो होगा उसमें? सर हर्षित जिस वीडियो के बारे में बोल रहा था राजा रानी के, वो मिल गया। अरे ये जीजा साली है ना, इन दोनों को लेके आओ जरा। ठीक है सर। क्या रे वीडियो, तेरी बीवी गांव गई है ना? बस आइस करना शुरू किया साली के साथ, वो भी ससुर के दम पे? नहीं सर वो तो क्या हो क्या वो? ये वीडियो मुस्कान ने बनाया था इसलिए तुमने दोनों ने उसको मार दिया ना? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं किया। ए रुक।
कोशिश की ना तो तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगी, समझा? ये अगर वीडियो मुस्कान किसी को दिखाती ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, नौकरी जाती, पैसा जाता, घर जाता, बीवी जाती और साली भी जाती। इतना मोटिव काफी है तुम्हारे पास उसको मारने के लिए। तुमने क्या किया, तुमने मौके का फायदा उठाया। मुस्कान जैसे ही शांति के घर जाने निकली तुमने उसे उठाया, मार दिया, उसके साथ रेप किया और बाद में माइकल के कार में डाल दिया। नहीं साहब, हमने सब कुछ नहीं किया है। कसम से कुछ नहीं किया। जरा भी कुछ भी बोलो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं, इनको इंट्रोगेशन रूम में ले। नहीं सुनो साहब, वीडियो बना दे। शिरके, कुछ तो पजल है ये केस में। मुस्कान के साथ रेप और मर्डर उसके मोहल्ले में हुआ है, लेकिन उसको सवेरे से किसी ने देखा नहीं, ना तो मोहल्ले में ना घर में। ये भी हो सकता है कि मुस्कान सुबह जल्दी जल्दी वहां से निकली हो। फिर भी कोई तो देखता, हर्षित वो तो एक ही कमरे में सोते थे। ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है कि हर्षित ने इस बात को नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है हर्षित हमसे कुछ छुपा रहा है, तो रमाकांत ने मुस्कान के साथ कुछ किया। पर अगर गुड्डू की माने तो जब से गुड्डू और मुस्कान के बीच में लड़ाई हुई है, मुस्कान ने वीडियो बनानी बंद कर दी। वही तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसके टिकटॉक वीडियोस देखे, वो देख के तो ऐसा लगता है कि अपने काम में बहुत डिवोटेड है। फिर ऐसा है तो इसने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाया? सर, हो सकता है कि रमाकांत की डर की वजह से। उसने बनाई होगी लेकिन वो पोस्ट नहीं की। तुमने हर्षित को नोटिस किया जिस दिन वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे? वो अपना मोबाइल नहीं दिखा रहा था। हर्षित, तुम लोग जो वीडियो बनाते थे वो साहब को दिखाना। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। उसने अपने आई को बोला कि तुम्हारे मोबाइल में वीडियो दिखा। हाँ सर, लड़का पल भर के लिए उतना फोन नीचे नहीं रखता। वो हमसे डर रहा है, कुछ छुपा रहा है और हर सस्पेक्ट के लिए ये लड़का ही हमें दे रहा है। सिर्फ उसके मोबाइल में कुछ ना कुछ जरूर है। कैसी तुम्हारी अभी तबीयत? मैं ठीक हूँ सर। कुछ पता चला? पता चलेगा। तुम्हारे बहन के कातिल को हम ढूंढ के निकालेंगे और उसको सजा देंगे। तुम ठीक हो ना? इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई सी। अब आप ही कुछ समझाइए साहब, ना कुछ खाता है ना पीता है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि बहन के जाने का सदमा लग गया है इसको। तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढ के निकालेंगे और उनको सजा देंगे। तुम परेशान मत हो, इसकी परेशानी की वजह ये वीडियो है। ये वीडियो तुमने बनाई? ये सुसाइड केस है। ये मरने के बाद तुमने उसके साथ रेप किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उस गुंडे को क्या लगता है कि वो हमें बेवकूफ बनाते रहेगा और हम बेवकूफ बनते रहेंगे? अब देखना, अब हम उसके साथ बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। हम अपने सारे वीडियोस खुद बनाएंगे और हमारे वीडियोस हिट भी होंगे। लेकिन हम बनाएंगे क्या? सुसाइड वीडियो, सपने। सपने जितने हसीन होते हैं उन्हें टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है। आज मेरे भी सारे सपने टूट गए। फ्रेंड्स, इस जिंदगी में तो मेरे कोई भी सपने हसीन नहीं रहे, लेकिन शायद हो सकता है मरने के बाद सारे सपने हसीन हो। डिसाइड किया था कि मैं जैसे ही हैंग होती हूँ तू फटाफट टेबल लाके रखेगा। तू पीछे करके डांस भी करने लग गया था। अरे ताई, मैंने सोचा कि और लटक ले दूँ, और इफेक्ट आएगा तो और लाइक्स मिल जाएंगे। अभी 2 सेकंड और लटकती ना मैं तो मैं मर चुकी होती। तो वीडियो पोस्ट करें? अभी पहले वीडियो एडिटिंग, उसके बाद पोस्ट करेंगे। फिर ताई काम से बाहर चली गई, उसके बाद ताई वापस ही नहीं आई। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फांसी लगाने के बाद गला इतना दब गया कि ताई इधर बच गई हो और बाहर जाकर मर गई हो।
फिर किसी और ने उनके साथ, ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मुझे उनको जल्दी नीचे उतरना चाहिए था। अगर हर्षित की बात सही थी और मुस्कान सच में उस वीडियो को बनाते वक्त बच गई थी, तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस के शक के घेरे में जो लोग थे, सच में उनमें से ही किसी ने मुस्कान की हत्या की थी, या फिर इस रेप और मर्डर के पीछे किसी और का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हर्षित सच बोल रहा था? नहीं साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन वो आई नहीं थी। हमने बहुत देर तक उसका इंतजार भी किया था। चल आई, हो गया। रुकना, मुस्कान को तो आने दे, एक बार वो खाके जाएगी ना तो अपना दिन अच्छा जाएगा। अगर आई उसीर डाला है, 9 बज ले रात इंतजार कर रहे होंगे। चल उसको बाद में खिला देंगे। चल चल अभी, ठीक है तू चल, मैं आती हूँ दरवाजा बंद करके। और उसके बाद में आई को लेकर स्टॉल लगाने चला गया। ये रूटीन तेरा रोज का है? हाँ साहब, रोज हमारे स्टॉल पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है, दाल चावल पूरी भाजी। और रोज सुबह मुस्कान आकर खाकर जाती थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले तुम स्टॉल लगाने के लिए मोहल्ले के आगे से गए जहाँ CCTV है, और तू स्टॉल लगा के वापस मोहल्ले के पीछे से आया जहाँ CCTV नहीं है। तूने मुस्कान को पकड़ा, उसको मारा, उसके साथ रेप किया, बाद में उसके बॉडी को बोरी में भर के कार में रख दिया। कांदा बटाटा राजा के स्वाब से आते ना तुम्हारे पास? साहब ये सब कुछ मैं क्यों करूंगा? वो अच्छी लगती होगी, उसने ना बोला होगा। क्या कह रहे हैं साहब, मैं बचपन से मुस्कान को देख रहा हूँ, मुझे दादा बोलती थी। हाँ साहब, ये पूरा दिन मेरे साथ स्टॉल पे ही था। ठीक है जाइए आप। शिरके एक केस उलझते ही जा रहा है। जिस दिन मुस्कान का मर्डर और रेप हुआ, उस दिन उसको मोहल्ले में ना तो किसी ने देखा, ना तो घर में किसी ने देखा, ना तो CCTV में, ना तो शांति के घर गई। फिर गई कहाँ? हमारे पास सस्पेक्ट कितने हैं? सर पहले तो ये राजा रानी, क्योंकि मुस्कान ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। और दूसरा सस्पेक्ट गुड्डू। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान ने उसके साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। तीसरा सस्पेक्ट है माइकल, क्योंकि माइकल को भी मुस्कान अच्छी लगती थी। या तो फिर ये शांति का बेटा पवन। सर मुझे लग रहा है कि मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुस्कान के घर में ही हुआ है। हाँ, मतलब सुसाइड का वीडियो बनाते बनाते उसकी जान गई। हर्षित डर गया, उसने उसके बॉडी को बोरी में भर दिया और माइकल की गाड़ी में डाल, और इसमें उसकी मदद रमाकांत ने की। लेकिन लड़की के साथ जो रेप हुआ उसका क्या सर? एक काम करो शेख, फिर से सबके कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो, सब पे नजर रखो, खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। बहुत स्पेशल थी वो मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी। हर्षित, हर्षित बेटा उठ जा, दवाई खा ले, दवाई का टाइम हो गया बेटा। तो हर्षित, हर्षित, हेलो क्या हुआ सर? हर्षित की कल रात डेथ हो गई। सर मेरे हाथ कुछ फुटेज लगी है और कुछ सबूत भी लगे हैं। सर इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन में हमने एक चीज मिस कर दी थी। इसका फोन एग्जैक्टली 5 बजे उसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ जहां रमाकांत को किडनैपर ने रैंसम की रकम रखने के लिए कहा गया था, और ठीक 55 मिनट बाद, यानी कि 5:55 पर इसका फोन दोबारा ऑन होता है। और सर ये फुटेज उस जगह से 100 मीटर दूर की है जहां रैंसम की रकम रखी गई। इसको ले गया सौ।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मुस्कान का मोबाइल तेरे स्टॉल के नीचे कैसे मिला? मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये तेरे कॉल डिटेल्स, तेरा मोबाइल 55 मिनट के लिए बंद था उस एरिया में जिस एरिया में किडनैपर को पैसे दिए थे। क्यों बंद था ये देख, ये सीसीटीवी फुटेज। सवेरे जब मां के साथ तू स्टॉल पे जा रहा था तेरा शर्ट दूसरा था, ये फुटेज देख। शाम को शर्ट चेंज, जबकि तेरी मां का कहना है कि तू दिन भर उसके साथ, शर्ट कब चेंज किया? मैं कह रही हूं ना, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मुस्कान तुम्हें मां समझती थी, तुमसे प्यार करती थी, और तुम इस नालायक बेटे की करतूतें छुपा रही थी। और तू ए हीरो, मोबाइल पे ब्लड सैंपल्स मिले, टेस्ट के लिए भेजूंगा ना, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसके पहले बता दे वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ मार दिया मैंने उसे, आई और मैं कितना पसंद करते थे उसे, लेकिन बार 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 दादा दादा बोल के मेरा दिमाग खराब कर रही थी। कितना प्यार करता था मैं उसे, और उसने उसने क्या किया? सारे मोहल्ले के सामने मुझे राखी बांध दी। उसी दिन मैं सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने मुस्कान को गुड्डू से कुछ पैसे लेते देखा। मैंने सोचा मौका अच्छा है, और उस दिन जब हम उसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई, तो मैं आई को लेकर स्टॉल पर चला गया, और पीछे के रास्ते से वापस घर पर आकर मैं वहां पे मुस्कान का इंतजार करने लगा। दादा काकी कहाँ है? काकी तो चली गई, ले ले खाना रख कर गई है तेरे लिए। कहाँ गई हो? सुनना तेरे सच में अच्छा नहीं लगता, शादी करने दादा लगता। तू अच्छा है पर मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती, मैं तुझे दादा कहती हूँ। दादा 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 छोड़, क्यों मना कर रही है तू? छोड़ फिर मैंने उसकी लाश को बोरी में भरकर फिर से स्टॉल पर चला गया, और उसके बाद रमाकांत काका को पैसों के लिए फोन किया। अगर तेरी बेटी तुझे सही सलामत चाहिए होगी ना, तो 1,00,000 रुपए लाकर दे और लेकर जाओ उसे। मैंने रमाकांत काका के दिए हुए पैसे लिए। शाम को मैं घर आई, बोरी में मैंने मुस्कान की लाश देखी। आई के सोने के बाद मैंने मुस्कान की लाश को माइकल की कार में रख दिया, क्योंकि वो हमेशा मुस्कान के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता था, और अपनी वो पुरानी कार को लॉक भी नहीं करता था। जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तेरे को मिलेगी। और तुम, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए खुद को कैसे माफ करोगी? पवन को मुस्कान की हत्या और रेप की सजा मिली, और शांति को भी पवन को और पुलिस को गुमराह करने की, क्योंकि मुस्कान पवन को पसंद नहीं करती थी, और इसी रिजेक्शन के गुस्से में पवन ने मुस्कान की जान ले ली। प्यार त्याग और समर्पण सिखाता है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाना या जान से ही मार देना, ये प्यार नहीं हैवानियत है, और ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।